मैं आज शाम के दो शोज की टिकट्स लाया हूँ, 6 से 9 एवेंजर्स और 9 से 12 पद्मावत। ओहो मेरी जान, बड़ा खुश लग रहा है, बिना बोले ही ट्रीट दे रहा है। वैसे प्लान अच्छा है, बहुत दिनों से नाइट आउट भी नहीं हुआ। मूवीज के बाद कहीं घूमने चलते हैं, टिकट्स देखा? ये तो दो ही टिकट्स हैं, तीसरा कहाँ? वो देविका घर पे आ रही है ना। इस कुत्ते की नियत पे पहले से ही शक था मुझे। वही मैं सोचूं साला, जब से इस घर में रहने आया है एक कप चाय भी नहीं पिलाई और आज सीधा बैक टू बैक मूवीज की ट्रीट। यार उसके रूममेट्स के साथ झगड़ा हुआ है और इतना जल्दी कुछ हो भी नहीं सकता। इतने बड़े शहर में अकेली लड़की कहाँ जाएगी? प्लीज यार, सिर्फ एक रात की तो बात है, मैनेज कर लो ना। अच्छा इस पर कॉन्ट्री भी नहीं करते, सारे बिल्स मैं पे कर दूंगा, घर का रेंट भी मैं दे दूंगा। प्लीज यार मान जाओ ना यार। अरे रेंट भर रहा तो फिर ठीक है ना। क्या घंटा ठीक है? मैंने बोल दिया लड़की नहीं आएगी तो नहीं आएगी, रूल इज रूल। यार तू भाई नहीं है क्या? मैं तुझे दारू पिला दूंगा, तेरे कपड़े भी धो दूंगा, तेरी मालिश भी कर दूंगा। प्लीज यार भाई के लिए इतना सा नहीं कर सकता क्या? मान जाना यार। बस कर, भीख मत मांग, भाई बोल रहा है इसलिए मान रहा हूँ, पर मेरी दारू के बीच कुछ नहीं होना चाहिए। पक्का? ओके हाँ, डिनर से पहले हमें मॉल जाना होगा। और हाँ, घर का सारा सामान हम वहीं से खरीद लेंगे। ओके और गाइस तुम लोग, ओ शिट मैं तो भूल ही गई, मुझे तो पार्लर भी जाना है, चलो चलो जल्दी चलो। ओके बेबी। देखा, एक रात रुकने की बात भूली थी, ये चुड़ैल तो सर पे चढ़ गई है। साला लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कुत्ता बना देती है। तुझे कभी प्यार नहीं हुआ इसलिए तू ऐसा कर रहा है। क्यों नहीं करता तू, कोई मूवी क्यों नहीं देख लेता? आज मैं टिकट बुक करता हूँ तेरे लिए। क्यों, अब तेरी वाली भी घर पे आने वाली क्या? एक्चुअली हाँ, वो सिटी करते हैं। क्या एक चुड़ैल क्या कम थी जो तू एक और ला रहा है? साले कुत्ते हो सबके सब। अरे नहीं, लेकिन इतना छोटा सा घर और इतने सारे लोग एक साथ कैसे रहेंगे? हम एक साथ नहीं रह सकते। पर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे ना, और वैसे भी तो तुम तीनों ऐसे ही साथ में रहते थे ना। तुम कहना क्या चाहती हो, हम तीनों की जगह में तुम तीनों रहोगी यहाँ पे? हाँ ये भी अच्छा आइडिया है, हम लोग ये कर सकते हैं। तो आज से ये तय हो गया, आज से हम तीनों इसी घर पे रहेंगे। यस बेबी। बेबी तुम क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा बेबी मैं क्या कह रहा था, तुम्हें ना यहाँ रहने के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। यू डोंट लव मी एनीमोर? नो नो बेबी, मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ? आई लव यू बेबी। तो फिर फैसला हो गया, आज से हम तीनों यहाँ रहेंगे और तुम तीनों अपने लिए नया घर ढूंढ लोगे। ओके बेबी। ओके बेबी। ओके। ठीक से लगाओ, कैसे लगा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं भूल रही। हाँ चलो बाद में बात करते। ओके बाय बाय। तुम्हारी मम्मी आने वाली है ना? तुम तो उनके साथ चले जाओगी। आई विल मिस योर लेग्स।
मैं ना उनके साथ नहीं जा रही, मैंने मम्मी को यही बुला लिया। मम्मी को मुंबई घूमना था ना, और फिर पापा भी तो आए दो तीन दिन में, ठीक किया ना मैंने। क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं रह सकते क्या? नूनो बेबी क्यों नहीं रह सकता, मैं तो इतना खुश हूँ कि मेरी हंसी छूट रही है। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, दूसरा घर ढूंढ लेंगे, दूसरा घर ढूंढ लेंगे। साला इस घर में लड़की को लाना ही नहीं चाहिए।